हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंदा किचन। आज मैं आपको मिक्स वेज परोठा दिखाने जा रही हूँ। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए देखिए। पहले मैंने गेहूँ का आटा लिया है और उसमें नमक डाल के और थोड़ा सा तेल डालती हूँ 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह से भून के रखती हूँ। इसको अभी सॉफ्ट भूनना है। और ये ऐसे सॉफ्ट होने के लिए इसमें 1-2 स्पून उतना दही डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से भून के 10-15 मिनट रखना है। और 10-15 मिनट भीगने तक हम सब्जी की तैयारी कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, हमारा आटा रेडी हो गया। इसको मैं थोड़ा ऑयल लगा के रखती हूँ। देखो अब सब्जी के लिए क्या क्या चाहिए। 1 कैप्सिकम है, ओनियन है, अल्ला लहसुन, मिर्ची और कोरिएंडर, ये बटाटे है मैं कुकर में निकाल के रखी हूँ, ये पालक है और ये मूला है। मूले को मैंने कद्दूकस करके रखा है। अब ये सब जो अल्ला लहसुन और मिर्च, हरी मिर्ची, ये सबको और जीरा थोड़ा डाल के मैं इसको अभी फाइन पेस्ट बनाती हूँ। अब देखो सब्जी को कैसा करना है। कड़े में मैंने तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद राई जीरा डालती हूँ, और उसको तड़कने के बाद मैं कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। अच्छी तरह से ब्राउन होने तक इसको हिलाना है, फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ब्राउन हो गया। अब इसमें जो हमने मिक्सर में अदरक लहसुन और मिर्च का पीसा हुआ वो डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1 कैप्सिकम के छोटे छोटे टुकड़े किए वो भी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक यानी सॉफ्ट होने तक हिलाना है। 2-3 मिनट हिलाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। बाद में मैं पालक डाल रही हूँ। पालक को भी पूरी तरह से इसमें सॉफ्ट होने तक खिलाना है। आप इसमें और आपके पास जो भी सब्जियां हो आप डाल सकते हो। अरे पूरा ही वेज पराठा ही है। अभी मूले का कद्दूकस किया वो भी मैं डाल रही हूँ। इसमें गोभी और कुछ भी तुम डाल सकते हो। और ये है बटाटा, इसको मैंने कुकर में से उबाल कर उसको अच्छी तरह से कद्दूकस करके लिया है। ये फ्रेंड्स हमारी सब्जी, इसमें कौन से भी तुम अलग अलग तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल है वो सब सब्जी डाल सकते हो बारीक फाइन कट करके। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर और गरम मसाला ये सब डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक भी डाल रही हूँ। ये सब डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करके 5 मिनट इसको अच्छी तरह से हिलाना है। गरम होके इस पूरा एक जैसा होना चाहिए। ऊपर से मैं हरी धनिया डाल रही हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। खाने में भी उतना ही बहुत अच्छा होता है और पौष्टिक है। सब सब्जियाँ बच्चे लोग नहीं खाते, ऐसा करिए क्या तो सब वो खा सकते हैं ना, इसलिए मैं
हमेशा ही सब सब्जियाँ के मिक्स करके ही परोठा करती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं, ऐसा कुछ अलग किया तो खाते हैं। अब मैं इसके पूरी बना रही हूँ। इसमें पूरा सब्जी का जो हमने मिक्स रेडी करे किया हुआ है भाजी वो डाल रही हूँ। अब मोदक जैसा पूरा फोल्ड करके ऊपर का एक्स्ट्रा आटा निकालना है। अब इसको ड्राई आटा लगा के अच्छी तरह से बेलना है। इसको बहुत भी पतला नहीं करना और बहुत भी जाड़ा नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन होने तक सेकना है इसको। इस तरह से आप घर में करके देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा होता है। इसको चटनी के साथ या दही के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। इसको दही घर में बनाया हुआ अच्छा सा मलई वाला दही के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। आप घर में ज़रूर करके देखिए आपको कैसा लगता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल। जो नए देख रहे हो सब्सक्राइब भी करो। देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप करके आपको कैसा लगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड्स।